भारतीय स्टेट बैंक तालाब रोड वाली ब्रांच से एक अज्ञात किशोर 7,40,000 रुपए का भरा बैग काउंटर से उठाकर ले जाने लगा। तभी ग्राहक नरोत्तम सिंह तोमर चिल्लाए। उसके बाद गार्ड ने गेट पर लड़की से बैग छुड़ाने में सफलता हासिल की, लेकिन किशोर भागने में सफल हुआ। आपको बता दें कि सुबह 11:15 काली माई इंडियन गैस एजेंसी के अकाउंटेंट तालाब रोड की स्टेट बैंक में रुपए का एक बैग लेकर पैसे जमा कराने के लिए बैंक गए थे। बैंक के कैशियर को उक्त बैग थमा दिया गया। बैंक की नोट गिनने की मशीन में कोई कमी आने के कारण वह कैशियर मशीन को देख अंदर रखी मशीन को देखने लगा। इतने में अज्ञात किशोर उस बैग को लेकर चलने लगा। तभी वहां खड़े ग्राहक नरोत्तम सिंह तोमर ने कहा कि लड़का किसका बैग ले जा रहा है। इतने में गार्ड नूर मोहम्मद खान और विजय सिंह सेंगर उस लड़के को पकड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन लड़का पकड़ में नहीं आया और लड़का जिस बैग को लेकर जा रहा था वह बैग बैंक के गेट पर छोड़कर वह रफू चक्कर हो गया। उसके पीछे पब्लिक भी भागी, लेकिन तब तक वह लड़का एक गली में दीवार फांदकर भाग निकला। मेरा नाम मुकेश कुमार रावत है। आज एक 10-15 साल का लड़का आया, लाइन में लगा। उसके बाद अपना इंडियन गैस एजेंसी वाले जो है कैश लेके आए, उन्होंने थैला वहां रख दिया। जैसे ही वो मतलब थोड़ा मशीन काउंटिंग मशीन खराब थी, तो स्टाफ उसको सुधारने में लग गया, तो वो लड़का था एकदम सीट पे चढ़ा और उसको काउंटर से नोट का बैग पूरा लेके भागने लगा। तो जो हमारे गार्ड साहब थे सेंगर साहब, उन्होंने आवाज दी। ये कस्टमर थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन नरोत्तम सिंह तोमर बता दें। हाँ, मतलब उन्होंने भी आवाज दी। तो दूसरे गार्ड संयोग से क्या है, हमारे पास दो गार्ड है, तो दूसरे गार्ड खान साहब जो है गेट पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने उसको पकड़ा। तो पकड़ में क्या है, उसका थैला आया पकड़ में और वो भाग गया थैला छोड़ के। तो आज ये बहुत बड़ा मतलब हादसा था जो होने से बच गया। 7,40,000 अमाउंट था जो कि बरामद हुआ और मतलब सामने वाले की पार्टी के खाते में जमा भी कर दिया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पोरसा से धर्मवीर पचौरी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। भारतीय स्टेट बैंक तालाब रोड वाली ब्रांच से एक अज्ञात किशोर 7,40,000 रुपए का भरा बैग काउंटर से उठाकर ले जाने लगा। तभी ग्राहक नरोत्तम सिंह तोमर चिल्लाए। उसके बाद गार्ड ने गेट पर लड़की से बैग छुड़ाने में सफलता हासिल की, लेकिन किशोर भागने में सफल हुआ। आपको बता दें कि सुबह 11:15 काली माई इंडियन गैस एजेंसी के अकाउंटेंट तालाब रोड की स्टेट बैंक में रुपए का एक बैग लेकर पैसे जमा कराने के लिए बैंक गए थे। बैंक के कैशियर को उक्त बैग थमा दिया गया। बैंक की नोट गिनने की मशीन में कोई कमी आने के कारण वह कैशियर मशीन को देख अंदर रखी मशीन को देखने लगा। इतने में अज्ञात किशोर उस बैग को लेकर चलने लगा। तभी वहां खड़े ग्राहक नरोत्तम सिंह तोमर ने कहा कि लड़का किसका बैग ले जा रहा है। इतने में गार्ड नूर मोहम्मद खान और विजय सिंह सेंगर उस लड़के को पकड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन लड़का पकड़ में नहीं आया और लड़का जिस बैग को लेकर जा रहा था वह बैग बैंक के गेट पर छोड़कर वह रफू चक्कर हो गया। उसके पीछे पब्लिक भी भागी, लेकिन तब तक वह लड़का एक गली में दीवार फांदकर भाग निकला। मेरा नाम मुकेश कुमार रावत है। आज एक 10-15 साल का लड़का आया, लाइन में लगा। उसके बाद अपना इंडियन गैस एजेंसी वाले जो है कैश लेके आए, उन्होंने थैला वहां रख दिया। जैसे ही वो मतलब थोड़ा मशीन काउंटिंग मशीन खराब थी, तो स्टाफ उसको सुधारने में लग गया, तो वो लड़का था एकदम सीट पे चढ़ा और उसको काउंटर से नोट का बैग पूरा लेके भागने लगा। तो जो हमारे गार्ड साहब थे सेंगर साहब, उन्होंने आवाज दी। एक कस्टमर थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन नरोत्तम सिंह तोमर बता दें। हाँ, मतलब उन्होंने भी आवाज दी। तो दूसरे गार्ड संयोग से क्या है, हमारे पास दो गार्ड है, तो दूसरे गार्ड खान साहब जो है गेट पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने उसको पकड़ा। तो पकड़ में क्या है, उसका थैला आया पकड़ में और वो भाग गया थैला छोड़ के। तो आज ये बहुत बड़ा मतलब हादसा था जो होने से बच गया। 7,40,000 अमाउंट था जो कि बरामद हुआ और मतलब सामने वाले की पार्टी के खाते में जमा भी कर दिया।
टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पोरसा से धर्मवीर पचौरी की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।